हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और ये उस सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे कॉस्ट की बाय नेचर ऑफ एलिमेंट और एनालिटिकल क्लासिफिकेशन। देखो, बाय नेचर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के बेसिस पर कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, द कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, दैट इज मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड एक्सपेंसिव। देयर कैन बी फर्दर सब क्लासिफिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मेटेरियल इंटू रॉ मेटेरियल, कॉम्पोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमर स्टोर्स, पैकिंग मेटेरियल इत्यादि। दिस क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू द फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, हाउ सच टोटल कॉस्ट इज कंस्टिट्यूटेड विद द वैल्यूएशन ऑफ WIP। तो कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट पर थ्री कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आपका मेटेरियल की कॉस्ट होगी, सेकेंड लेबर, एंड थर्ड एक्सपेंसिव। फिर इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेटेरियल कॉस्ट को, जैसे रॉ मेटेरियल में, कॉम्पोनेंट्स में, एंड स्पेयर पार्ट्स में। कंज्यूमर स्टोर्स में भी क्लासिफाई किया गया है पैकिंग मटेरियल, ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉ मेटेरियल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोज में आपको समझ में आएगा इसके बारे में, कौन सी कॉस्ट को हम कहाँ पे जाके, जब आप कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे सारी चीजें इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है आपके सिलेबस में, और इसलिए मैं भी उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे इन डिटेल पढ़ानी है वहाँ पे मैं पूरी डीपली पढ़ाऊंगा, और जहाँ पे आपको बेसिक एक आइडिया की जरूरत है वहाँ पे एक बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा। अभी वो तीन कैटेगरी में किया गया, मेटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसिस। मेटेरियल मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो लगने वाला रॉ मेटेरियल, लेबर जो लेबर इस पर्टिकुलर रॉ मेटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, एक्सपेंसिस सपोज अब एक्सपेंसिव में हो सकता है रेंट का खर्चा हो गया हमारा, वो हमारा एक्सपेंसिव है, वो ना हमारा मेटेरियल है ना हमारा लेबर। इसके अलावा रॉयल्टी का एक्सपेंसिव हो सकता है, सेलिंग का खर्चा हो सकता है, ये सारे हमारे एक्सपेंसिव है। ठीक, नेक्स्ट बाय फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, कॉस्ट आर डिवाइडेड इन द लाइट ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक मैनुअल एक्टिविटीज involved in the operation of a business undertaking. It leads to grouping of cost according to broad divisions or function of a business undertaking, that is production cost, administration cost, selling cost, distribution, selling and distribution ek saath aata hai. According to this classification, costs are divided as follows: मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट हो गया वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, जिसमें हमारी प्राइम कॉस्ट आती है प्लस हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आते हैं। दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। ये सारी चीजें आपको कॉस्ट शीट के चैप्टर में जाके डिटेल में समझ में आएगा। मुझे पता है अभी आपको काफी चीजें समझ में नहीं भी आ रही होगी, बट आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, एट द एंड ऑफ क्लासेज आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। कॉमर्शियल कॉस्ट, कॉमर्शियल कॉस्ट क्या होता है, दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट incurred in operation of business undertaking other than the cost of manufacturing and production, जैसे administrative cost। अब देखो, administrative cost में क्या क्या चीज़ें आती है, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। administrative cost में होता है, जैसे आपका एक रिसेप्शन है, अब रिसेप्शन पे कोई एक पर्सन होगा, उसका कॉस्ट आएगा आपका, वो एडमिट का कॉस्ट आ गया। आपने अकाउंटेंट को हायर कर रखा है रिकॉर्ड बुक कीपिंग के लिए, उसकी कॉस्ट आ गई। आपने कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर कर रखा है कॉस्टिंग करने के लिए, उसकी कॉस्ट आ गई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिसको आपने हायर कर रखा है, वो सारी कॉस्ट कहाँ आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज आती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो सेल्स से रिलेटेड है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स एजेंट्स है आपके यहाँ, उनकी कॉस्ट। आपने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस किए, उसकी कॉस्ट। आपने अपने कस्टमर्स को डिलीवरी किया होम पे, उसकी कॉस्ट, वो सारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। दिस टर्म विल एक्सप्लेन इन ए सब्सिक्वेंट चैप्टर। देखो, यहाँ पे भी मेंशन है, ये सब्सिक्वेंट चैप्टर में सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, और मैं भी वहीं पे आपको इन डिटेल डिस्कस करवाऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे।